हेलो एवरीवन। तो अभी मुझे मिनोक्सिडिल रीस्टार्ट किए हुए 8 मंथ कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको शेडिंग बताने वाला हूँ, कितनी शेडिंग हो रही है, रिजल्ट्स दिखाऊंगा कंप्लीटली, और क्या मेरा रूटीन चल रहा है वो भी कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। अभी हेयर्स की डेंसिटी आप देख सकते हो, दूर से ही पता लग रहा है कि अच्छी हो रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो अभी कंप्लीटली रिजल्ट्स भी शो करूंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले मिनोक्सिडिल की बात कर लें, कौन सी मिनोक्सिडिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया था जन औषधि के अंदर से जैसे सस्ते वाली मिनोक्सिडिल मिलती है, 160 वाली मिनोक्सिडिल रहती है, वो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। आप लोगों ने बोला था भैया इसी को कंटिन्यू रख लो। अब इसके साथ में ये चीज़ रहती है कि अगर आप इस मिनोक्सिडिल को स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो सस्ती वाली को, तब तो आपको अच्छे रिजल्ट्स तब भी मिलने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब अगेन से शेडिंग नहीं होगी उस टाइम पे। अगर आप मतलब जैसे कि पहले बहुत अच्छे ब्रांड की यूज़ कर रहे थे, फिर इस पे सस्ती वाली पे स्विच करोगे, तब आपको शेडिंग अगेन से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्टिंग से अच्छी यूज़ कर रहे हो तो फिर आप स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू अच्छी वाली यूज़ करते रहो, नहीं तो अगर आप इस पे शिफ्ट कर रहे हो तो एक बार शेडिंग देखने को मिल सकती है, बस उसको देखकर आपको घबराना नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके साथ में आप एक फिनिशाइड टैबलेट भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे क्या कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं एक फिनिशाइड भी ले लेता हूँ, जैसे एक दिन के गैप में या दो दिन के गैप में, कभी कभी हो जाता है गैप भी हो जाता है, और कभी एक दिन के गैप में ही ले लेता हूँ। तो फिनिशाइड जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, शायद इंटास कंपनी की फिनालो ले रहा हूँ, तो वही चल रही है अभी, ठीक है। और शायद मैंने उसकी 15 टैबलेट्स ही मंगवाई थी, 15 या 10 टैबलेट्स मंगवाई थी, वही अभी की अभी पड़ी है, ठीक है, प्रॉपरली मैंने ली नहीं है। तो वो चीज़ मैं जो चीज़ प्रॉपर नहीं ले रहा, वो चीज़ का मैं मतलब सीधा बोल देता हूँ कि हाँ ये चीज़ मैं प्रॉपरली नहीं ले रहा, बट मिनोक्सिडिल मैं 1 ml नाइट में डेली लगा रहा हूँ विदाउट एनी केयर। और डाइट वाइट का तो वही सीन चल रहा है जो मैंने बताया, जिम वगैरह भी करता हूँ मैं, तो उसका चैनल भी है जिम से रिलेटेड भी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, साहिल नागपाल फिटनेस नेम से है। अभी काफ़ी टाइम से उसके ऊपर भी वीडियो नहीं आई, तो जल्दी उस पर भी वीडियो आ जाएगी, डाइट वगैरह की वीडियो भी कर दूंगा। तो मतलब डाइट वगैरह चेंज होती रहती है, ओट्स खा लिए, स्प्राउट्स खा लिए और दाल वगैरह खा ली, ये सब चीज़ें चलती रहती है, कुछ नट्स वगैरह भी कभी कभी खा लेता हूँ, तो वो कंप्लीट रूटीन अलग अलग होता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स चीज़ चल रही है, ओट्स फिक्स चल रहे हैं और पनीर हो गया, ये सब चीज़ें, एग्स वगैरह कभी कभी, ये सब चीज़ें रेगुलर चलती है मेरी, ठीक है। कई बार एग्स गैप भी हो जाता है, फिर पनीर हो जाता है, तो इस वजह से चलता रहता है। तो उसका मतलब आप मेरे चैनल पे देख लेना, वो आने वाले टाइम पे आ जाएगी, तो हैंडल नहीं हो पा रहे चैनल वगैरह अभी, ये चीज़ चल रही है। अब आ जाती है बात की और क्या चीज़ें यूज़ करूँ, शैम्पूज़ वगैरह आपको बता दूँ। तो काफ़ी लोग ये चीज़ें मुझसे पूछते रहते हैं, भैया आप शैम्पू दिखाई दिया करो। देखो सीवामेड का एक शैम्पू पड़ा है मेरे पास में, ठीक है, ये भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, कोज काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, इतना पड़ा है अभी, ये लमसम इतना पड़ा है और काफ़ी लॉन्ग चल जाएगा। ये पड़ा है एक स्कैल्प प्रो के नाम से आता है, ये बिल्कुल इतना रह गया, आप देख सकते हो यहाँ तक कि ये बिल्कुल पड़ा है, यहाँ पे आपको परछाई भी देखनी, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और स्कैल्प एंटी हेयरफॉल शैम्पू की बात करें तो इसका यहाँ से दिख नहीं रहा, बट वेट वाइज बताऊँ तो ये भी लगभग इतना रह गया, ठीक है, ये भी ख़त्म होने वाला है, तो ये भी अब चेंज करने पड़ेंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया मुझे इन्हीं शैम्पूज़ को यूज़ करते हुए, और मैं बता भी रहा था आपको कि यही शैम्पू चल रहे हैं। अब मेरा शैम्पू का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देख के लेता हूँ, जब मुझे लगता है मेरे ड्राई फ्रीज हो रहे हैं तो उस हिसाब से शैम्पू मैं यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी लगता है डैंड्रफ हो रहा है तो उस हिसाब से यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको मैं कभी रेगुलर यूज़ नहीं करता, बट इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को चाहे मैं रेगुलर भी यूज़ कर लूँ, इसको यूज़ करने से ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो इसलिए मुझे पता है कि मेरे हेयर्स पर कौन चीज सूट करती है, तो उस हिसाब से यूज करता हूं मैं। अब बात कर लेते हैं शेडिंग की, शेडिंग कितनी हो रही है। रिसेंटली शेडिंग लगभग रुक ही गई है, 5-6 बाल मुश्किल से गिरते हैं, ठीक है, और वो भी वॉशिंग के टाइम गिरते हैं। अभी डेंसिटी इंक्रीज होने पे है, ठीक है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, वो चीज देखने को मिलती है। तो अभी हैंड वगैरह मारने पर देखते हैं कोई बाल आया, एक बाल ये आया और दो बाल अभी आए हैं, ठीक है, तो ये बाल अभी देखने को मिले हैं, एक और बाल आ गया, तो हैंड मारने पे, तो ये चीज़ नॉर्मल है, मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगती, कॉज डेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है और ये प्रॉपरली हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, कॉज मुझे पता था कि इतना टाइम लेगा ही लेगा। अब मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट शो कर देता हूँ कि इस वजह से है, आप खुद जज कर लेना, ये देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे, ठीक है, ये हेयर्स मेरे इस साइड हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी मेरी स्टार्टिंग से इस साइड में हुई थी, और ये बचपन से मेरे इस साइड से मतलब हेयर्स थोड़े लाइट है, बचपन से बोले तो मतलब 10th 12th क्लास ही मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस साइड से हल्के से कम रहते हैं और इस साइड से बचपन से डेंसिटी आप देखोगे कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ये देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है। और सबसे पहले झड़ने भी इस साइड से जैसे कम होने लगे थे, तो सबसे पहले इधर से ही कम होने लगे थे, तो इसलिए मुझे लगा अगेन से मिनोक्सिडिल रीस्टार्ट कर दी जाए। इस वजह से हेयर्स अभी ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ठीक है, इस वजह से सेकंड ये देख लो, ठीक है, प्रॉपर
पहले डेंसिटी क्या हो गई थी वो वीडियो आप अलग से देख सकते हो। बैक से मैं दिखाऊं, हैवी पड़ी है बैक बिल्कुल, ये देख लो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बैक में। तो यही अभी रिजल्ट्स वगैरह कम्प्लीटली रूटीन वगैरह मैंने बता दिया, और काफ़ी लोग मेरे साथ भी मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं प्लान वगैरह ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे, तो उनके रिजल्ट्स भी शो करूँगा मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो बस इतने ही रिजल्ट्स हैं अभी, ठीक है। कॉम्ब वगैरह मैं करता नहीं है इसमें, नॉर्मली सेट कर लेता हूँ, कॉम्ब बहुत रेयर यूज़ करता हूँ मैं। तो ये शायद मैंने हेयर्स वगैरह सेट कैसे करता हूँ उस पर भी वीडियो की हुई है, कॉज खड़े करने होते हैं हेयर्स, तो लेट कर इस वजह से हैंड्स वगैरह मार ली और खड़े हो जाते हैं मेरे हेयर्स, कॉज हेयर्स का टेक्सचर इस वजह से है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कम्प्लीटली बता दिया मैंने ऑयलिंग का। अब मैं बता देता हूँ आपको ऑयलिंग कब करता हूँ। ऑयलिंग मैं तब करता हूँ जैसे मुझे थोड़ी सी खुजली देखने को मिल जाए, या मेरे हेयर्स ज़्यादा फ्रीजी ड्राई हो गए शैम्पूज वगैरह यूज़ करने के बाद, तो तब मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ। ऑयलिंग इस वजह से करता हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेता हूँ, नॉर्मली स्कैल्प पे लगा लिया 1 आवर पहले वॉश करने से, शैम्पू वगैरह करने से पहले, देन इसको अच्छे से वॉश कर दिया, तो इसी वजह से प्रॉपर यूज़ करता हूँ। तो बस आज की वीडियो में था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।